नमस्कार। सो कई लोगों ने कमेंट डाले, खासकर हरियाणा में आपको पता ही है कि हमारे काफ़ी सुनने वाले हैं, काम कराने वाले हैं हमसे, कि सर एक बार बॉन्ड का ना एक और लेटेस्ट वीडियो बना दो, क्योंकि 21 दिसंबर 2022 को जब लास्ट ईयर काउंसलिंग चल रही थी तो एक फाइनल बॉन्ड आया था, और उस फाइनल बॉन्ड ने ना जो ओरिजिनल हरियाणा का बॉन्ड था, और मैं हमेशा कहता था अगर आप मेरे वीडियो सुनोगे पुराने वाले, कि बॉन्ड का पर्पज़ सिर्फ यही था कि गवर्नमेंट चाहती है कि रूरल एरियाज़ में प्राइमरी हेल्थ एरियाज़ में सर्विस मिले उन जनता को, पर कुछ लोगों की कंसर्न्स थी। आई थिंक उस वीडियो ने सब कुछ इतना क्लियर कर दिया कि अब तो हरियाणा का बॉन्ड सुनने में सबसे बड़ा लगता है, बट एक्चुअली बहुत वीक हो चुका है, और अब वो उसका बॉन्ड तो इस लाइक यूपी का बॉन्ड या राजस्थान का बॉन्ड, जहाँ वो एक साल, दो साल, पाँच साल, 5 लाख 10 लाख का बॉन्ड है, प्रैक्टिकली वैसे बचा है कैसे। और मैं मोटा मोटी आपको मैं पेज बाई पेज नहीं जाऊँगा, वैसे 4 पेज है टोटल, आप स्टडी कर सकते हो। देखिए टोटल एक तो सबसे बड़ी बात है ड्यूरेशन 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई, 40 लाख से कम करके 30 लाख कर दी गई। ये सब सरकारी में लागू होता है, सरकारी में भी एनआरआई शीट में लागू नहीं होता, क्योंकि एनआरआई में तो पूरे पैसे दे चुके हैं। अब वो ये भी कहते हैं कि भाई जैसे जो अग्रोवा के अलावा बाकी सारे कॉलेज हैं और ESI पे बॉन्ड लागू नहीं होते, हम जानते हैं उनका अपना बॉन्ड होता है एक साल 10 लाख रुपये का, तो एक रफ कैलकुलेशन उन्होंने दी थी कि 4.5 लाख तो फीस ही दे चुके हो सरकारी कॉलेज में जो नॉर्मल फीस देते हैं, तो फिर जो बॉन्ड की वैल्यू बचती है वो 30 लाख माइनस 4 लाख मतलब 25 लाख बचा रफली, और लड़कियों को ये अनदर 10% डिस्काउंट देते हैं तो 23 लाख बचा। अग्रोहा में वैसी आपने फीस दे दी 8 लाख तो आपका बॉन्ड बचा मोटा मोटी 22 लाख और 20 लाख, तो जो बॉन्ड की वैल्यू है वो 25 और 20 लाख रह गई है। पहली बात अमाउंट है 5 साल। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सरकार अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर नौकरी नहीं देती, ध्यान से समझिए, तो कोई बॉन्ड नहीं है। 1 साल आपको मतलब ये बनी 1 साल आपको खाली बैठना है, सरकार ये कहती है कि हम आपको 1 साल के अंदर अंदर तक देंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को आप थोड़ी पहले उस पर चलते हैं PG, सबको लोगों को टेंशन होती थी कि हमारा PG में सिलेक्शन हो गया, तो अगर आपका PG में सिलेक्शन हो गया, सिर्फ हरियाणा में नहीं, हरियाणा के बाहर कहीं पर भी, तो वो ड्यूरेशन बॉन्ड से अपने आप कम हो गए। दैट मीन्स आपने 3 साल PG करी, 3 साल PG का इस पार्ट ऑफ द बॉन्ड, चाहे हरियाणा चाहे बाहर, क्लियर। और सरकार कहती है हरियाणा की लड़का पर इमीडिएट सिलेक्शन हो गया इंटर्नशिप के बाद, पहली अटैम्प्ट में 3 साल PG कहीं भी करके आ जाओ, अब आके हमारी 2 साल सर्विस कर दो, नहीं करोगे 2 साल सर्विस तो प्रोपोर्शनेटली मतलब 25 लाख की अगर हम बात करें तो 10 लाख आपको हमको देने हैं, 3 साल तो आप PG कर चुके हैं तो 10 लाख तो बहुत स्टेट्स में इंडिया के, तो वही रह गया ना। तो सबसे बड़ा कंसर्न था PG करने वालों के लिए, वो क्लियर हो गया कि PG आप बिंदास कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि सरकार ये कहती है कि हम आपको सर्विस देंगे, 1 साल तक कोई वैसे भी रिपेमेंट नहीं होगी, इंटर्नशिप की बात हो रही है, और सरकार आपको, और फिर सरकार कहती है आप अगर किसी भी सेंटर या हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का आर्म्ड फोर्स या जुडिशरी इन 2 सर्विसेज में चले जाते हो तो फिर आपका बॉन्ड माफ़। ये 2 कॉमन तो हो गई, मतलब जुडिशरी डॉक्टर, देखिए डॉक्टर जाके मार्केटिंग तो करेगा नहीं, सो एज ए डॉक्टर आप जुडिशरी सर्विस, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग जुडिशरी, हमने ये बोला कि आप कोई भी सरकारी नौकरी आपको मिल जाती है सेंटर में या स्टेट में, वो शब्द ये एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग जुडिशियल एंड आर्म फोर्स, तो एनी मतलब कोई भी सरकारी नौकरी स्टेट की या राज्य की तो भी आपका माफ़ हो गया, ख़त्म। तो मतलब आप सरकारी नौकरी का पेपर दे के पास कर लो तो भी आपका बॉन्ड माफ़ हो गया, अगर आप काम कर रहे हो तो सैलरी अलग मिलेगी और ये बॉन्ड के पैसे सरकार अलग देगी, सैलरी में 70 से 1000 रुपये जो होता है वो देगी, राइट। आपको बेसिकली तभी पैसे देने हैं जब सरकार आपको दे रही है ऑप्शन और आप नहीं ले रहे हो, और आप ना PG में जा रहे हो ना ही आपको सरकारी नौकरी मिली है, और आप कहते हो कि मैं आपके पास भी नहीं काम करूँगा और एसेंशियली मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, राइट। सिर्फ उस केस में ये है कि आपको सरकार को पैसे देने हैं। बाकी एक 5.A15 है जिसको पढ़ के आप स्लाइटली कन्फ्यूज हो जाते हो, उसको घबराने की बात नहीं है, वो ये कहती है कि हमें कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज नहीं मिली 1 साल तक और आपने ना एम्प्लॉयमेंट ले ली, एनी एम्प्लॉयमेंट, राइट। और सरकार ये कहती है कि आपने कहीं और जॉब ले ली, अब आप डॉक्टर कैसे जॉब लेगा किसी दूसरे अस्पताल में, देखिए MBBS डॉक्टर को 10 लाख तो मिलने नहीं है, तो आपको भी लेट से स्टार्टिंग में 80-90 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, अगर आपको उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितने मेडिकल ऑफिसर को सरकार दिलाती तो भी आपको बॉन्ड नहीं देना, और आपको लेट से उसके ऊपर मिल रहे हैं मतलब 1.5 गुना से कम, ये बड़ा फाइन लाइन्स है, मतलब 1 लाख 10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो 1 लाख 10 हज़ार माइनस 80 हज़ार रुपये 30 हज़ार के हिसाब से आप सरकार को उतने पैसे दोगे प्रपोर्शन में, तो जो आपकी लोन रिपेमेंट है
उसका मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगर मैं 1 लाख का एग्जाम्पल ले लें और 80,000 मेडिकल ऑफिसर की नौकरी है तो 80% बॉन्ड का पैसा सरकार देगी, 20% आप दोगे। मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज़ मैं सच बताऊँ सिर्फ तब आपको पैसे देने हैं जब आप एक पिताजी का अपने अस्पताल ज्वाइन कर लो जिसमें आपको बहुत हैवी सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, वरना पिताजी का अस्पताल ज्वाइन करके भी अगर आपने नॉमिनल सैलरी ली जो कि मेडिकल ऑफिसर से कम है तो आपको कुछ नहीं देना। सरकार कहती है कि 1.5 साल बाद मैंने आपको बुलाया जॉब करने के लिए, लेकिन आप नहीं आना चाहते और आपकी तनख्वाह भी कम है तो भी मत आओ, कोई बात नहीं, मतलब 1 साल के बाद भी बुला सकती हूँ। हाँ, ज़्यादा मिल रहे हैं तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा या देने पड़ेंगे बॉन्ड के पैसे। यू असेंबली के लिए बाहर चले गए तो आपको सारे पैसे देंगे बस। तो और या भाई पीजी आपने कर लिया तो उसके बाद भी वो कहते हैं भाई या तो हमें सर्व कर दो हरियाणा गवर्नमेंट में आके, फिर से आपको पीजी वाले सैलरी मिलेगी और आपके 10 लाख रुपए हम दे देंगे, नहीं तो वो 10 लाख दे दो। तो असेंशियली हरियाणा का बॉन्ड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अब 2 साल और 10 लाख रुपये का रह गया है। हम ये मान के चलते हैं कि इमीडिएटली बच्चे पीजी जो देखिए फिर से जितने भी ये 4-5 कॉलेज में बच्चे जाएंगे मोस्टली दे ऑल आर ब्रिलियंट राइट, सब 630-640 नंबर वाले होंगे जो पीजीएमएस होता है, कल्पना चावला, शहीद हसन मेवाती, अग्रोहा या भगत फूल सिंह ज्वाइन करेंगे। आज तक मैंने कभी इन बच्चों को देखा नहीं कि दे विल गो एंड ज्वाइन अ प्राइवेट पीजी राइट। सरकारी पीजी ज्वाइन करोगे या फर्स्ट एडमिट मिल जाएगा या शायद आप 1 साल वेट करोगे, पैसे 1 साल वेट करोगे यहाँ पर स्टार्ट कर लोगे जॉब, वो आपका बॉन्ड पीरियड कम होना शुरू हो जाएगा। आपने पीजी ज्वाइन कर लिया, सरकारी पीजी करोगे, शानदार डॉक्टर बन गए, यहाँ पर आके 2 साल सर्विस करनी है करो, नहीं करनी है 10 लाख रुपये दो, बात खत्म। सो अल्टीमेटली द बॉन्ड रिमेन्स 10 लाख रुपीज़ 2 ईयर। मैं आपको मोटा मोटी बताऊँ, ये भी उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि बच्चे को कुछ हो गया, कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, उस केस में डेथ डिसेबिलिटी होगी कैंडिडेट की तो भी ये बॉन्ड लागू नहीं होगा, वो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई। तो घुमा फिरा के बचाई क्या, सिर्फ मैंने बोला जो यू असेंबली में तुरंत जाने वाले हैं उनको देना है या जो इमीडिएट पीजी ज्वाइन कर लेंगे तो उनके लिए 2 साल 10 लाख का बॉन्ड हो गया और कोई टेंशन नहीं है। तो इट बिकम्स अ टिपिकल राजस्थान यूपी टाइप ऑफ बॉन्ड ओके। तो सिमिलरली जो ऑल इंडिया कोटा के लोग होते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हरियाणा में पीजीएमएस रोहतक वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड कॉलेजेस, और शायद आपको नहीं पता होगा पीजीएमएस रोहतक की पीजी सीट में 25% रिजर्वेशन, देखिए 50% हर पीजीएम ऑल इंडिया कोटा होता है और बाकी 50% में आधी सीटें पीजीएमएस रोहतक में इंस्टीट्यूशनल कोटा लगता है जिन्होंने पीजीएमएस रोहतक से एमबीबीएस की है। तो फिर से आई थिंक ऑल इंडिया कोटा में पीजीएमएस रोहतक शुड बी राइट इन द टॉप 10 शुड आई से आफ्टर मे बी कॉलेजेस ऑफ दिल्ली, बिकॉज इट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू परस्यू योर पीजी ऑल्सो इन ए सो रेप्यूटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। और कल्पना चावला वगैरह भी बहुत अच्छे लोकेशन पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। और इस तरह की जानकारियाँ हमसे रेगुलरली चाहते हैं ड्यूरिंग योर काउंसलिंग फेस, ताकि आप बेस्ट ऑप्टिमल कॉलेज अपने लिए ज्वाइन कीजिए। टेक अवर प्रीमियम काउंसलिंग पैकेज, हमारा पैकेज सरकारी जो सिंपल केस होते हैं उनके लिए 30,000 से स्टार्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड केस के लिए 1.5 लाख जाता है। आपका केस किस चीज़ में फॉल करता है वो फर्स्ट मीटिंग में डिसाइड होता है, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ रहती है, ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन के लिए 5,000 रहती है, फेस टू फेस सेशन के लिए, एंड देन वट वी डिसाइड टुगेदर एंड यू ऑल्सो एग्री ऑलवेज कि हाँ जी हमें इस तरह से आगे बढ़ना है और इतनी मेहनत होने वाली है तो इतनी फीस सर की जायज़ है। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, MBBS 2023 काउंसलिंग। आज 4-5 जुलाई हो गई है तो 10 दिन के अंदर अंदर MCC का राउंड 1 स्टार्ट हो जाना चाहिए एज़ पर माई कैलकुलेशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।